हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। रात का बज गया है 9 और आप लोगों को पता है कि रात का 9 बजे आप लोग का हर दिन सेशन चलता है, प्रैक्टिस बैच चलता है, आप लोग का रेशियो का खत्म हो चुका है और टाइम एंड वर्क का चल रहा है। ऐसे ही हम लोग पूरा मैथ सिलेबस खत्म करेंगे, आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन इसी से हिट करेगा, आप लोग का पैटर्न इसी से हिट करेगा, इतना हम आप लोगों को गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, एक भी पैटर्न इससे बाहर नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो आप लोग को इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि उस नए पैटर्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को माफी चाहते हैं कि ये डे 9 है, लेक्चर नंबर 9 है आपका टाइम एंड वर्क का। हुआ क्या था कि लेक्चर नंबर 8 थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू आ गया था, हमको बाद में देखे जाओ हम उसको, तो अचानक देखें कि उसमें बीच में 68 नंबर क्वेश्चंस करने के बाद क्या हो गया था, रुक गया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से वहां से करवा दे रहे हैं। ठीक है, आज 69 से करवा देंगे, बाकी जो छूट गया था उसके लिए सॉरी बोलते हैं। और आज ट्यूसडे है, मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था इसलिए मंडे को क्लास नहीं ले पाए थे, जिसके लिए सॉरी बोलते हैं आप लोग को। दोबारा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लगातार मैराथन ले रहे हैं ना, लगातार मैराथन लेते हैं कि पूरा इतना लाइटिंग के सामने, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे शहर में, गिरिडीह में, झारखंड का एक शहर है गिरिडीह, वहाँ पर ये डिजिटल बोर्ड पर देखा भी नहीं था, वो हम लेकर के आए यहाँ पर और अपना कोचिंग में दिखाए हैं सबको, वो फैसिलिटी दिए हैं अपना ऑफलाइन बैच में हम। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, होप कि आप लोग समझिएगा इसको और दोबारा ऐसा नहीं होगा, चाहे तबीयत खराब हो दोबारा हम भी ध्यान देंगे कि वीडियो कहीं रुके ना, टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं आप लोग का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, अब इसका आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये रहा आपके सामने टाइमर 30 सेकेंड का। चलिए बनाइए इसको, 40 सेकेंड का समय दिए, बनाइए इसको। कहाँ थे नितिन? राहुल गया शादी में ना, पंखा चालू कर दे क्या? राहुल गया शादी में। चलिए टाइम अप, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ने सीखिए। बी तथा सी की संयुक्त कार्य क्षमता ए की दोगुनी है। मतलब बोला गया है कि बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, मतलब बी और सी मिलकर के जितना काम करता है वो ए का क्या है, दोगुना है। वो ए का क्या है आपका, दोगुना। इसका मतलब ए अगर पर डे एक काम करता है तो बी और सी मिलकर के पर डे कितना काम करेगा, दो काम करेगा। साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ए तथा बी की संयुक्त कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है। मतलब क्या है कि ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता, ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता किसकी, सी की 3 गुनी है। मतलब अगर सी पर डे एक काम करता है तो ए और बी मिलकर के पर डे 3 काम करेगा। यहां से यहां तक का लैंग्वेज का मतलब पता हो गया आप लोगों को कि क्या लिखा हुआ है। ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन इस टाइप का हम करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, आप लोग को रेशियो में चाहे टाइम एंड वर्क में भी रूल ये बताए थे कि एक ही क्वेश्चन में ए बी और सी का मान, यहां पर क्या दिया हुआ है, 3, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका, 4। तो एक ही क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, जिसके कारण 3 और 4 को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सर 3 और 4 को सेम करने जाएंगे तो जहां 3 और 4 को सेम करने जाएंगे दोनों का एलसीएम क्या होता है, 12। जहां पर 3 है उसको 12 बनाने के लिए इंटू करेंगे 4 से, और जहां पर 4 है उसको इंटू करेंगे किससे, 3 से 12 बनाने के लिए। ठीक है यहां तक। अब पता है कि ये 4 इसके लिए भी है, ये 4 इसके लिए भी है, तो ये आ गया 8 और ये कितना आ गया, 4। ये आ गया कितना, 9, और ये कितना आ गया आपका, 3। सर दोनों का एफिशिएंसी निकल गया आपका, ए का कितना निकल गया, 4। मेन खेला था आपका यहां पर एफिशिएंसी का, पहले एफिशिएंसी निकालना होगा। सर ए का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका, 4, और दोनों का बोले मतलब सी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका, 3। ठीक है यहां तक। और अगर सी का एफिशिएंसी 3 आ गया
तो बी प्लस सी कितना निकाले थे हम लोग, 8। सर पूरा करने के बाद आपको इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने मेन ये रहा। अब देखिए बराबर हो गया ना यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 12 हो गया, 8 × 4 = 12 और ये भी 8 × 4 = 12। अब मेन है आपका ये, इसको लेके जाइए इसके पास, सही है यहाँ तक। ए का एफिशिएंसी 4 आया, सी का एफिशिएंसी 3 आया, ठीक। अगर सी का एफिशिएंसी 3 आया तो बी का एफिशिएंसी क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, तभी तो 5 और 3 = 8 हुआ होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, लिखा हुआ क्या है, यदि तीनों एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें, तीनों एक काम को के दिन में समाप्त करें, 15 दिन में समाप्त करें। तीनों एक दिन में कितना काम करता है, तीनों एक दिन में, ये सभी कार्य क्षमता का अनुपात है, मतलब तीनों जो है सो एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम करता है। अगर तीनों एक दिन में 12 काम करेगा तो 15 दिन में कितना काम करेगा आपका, 12 × 15, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे, 180 सबको दिख रहा है लेकिन जरूरत नहीं। अब बोला है इसी कार्य को सी अगर पर डे काम करे तो के दिन में करेगा, सी पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है, सी पर डे 3 काम करता है तो पूरा काम को के दिन में करेगा, 12 × 5 = 60 दिन में करेगा, ये रहा आपके सामने आंसर। इस बार का सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था और यही सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर हो गया, नेक्स्ट करते हैं 70 नंबर। नंबरिंग 2 बार लिखा गया, चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये रहा आपके सामने टाइमर, इस्तेमाल कीजिए 30-40 सेकंड का समय दिए, बनाइए इसको। चलिए टाइम अप, देखते हैं इसको, समझिए क्वेश्चन अच्छा से, एक एक लाइन को। सबसे पहले दिया हुआ है एक कार्य को 11.5 दिन में कर सकता है, सबसे पहले ये लिख लीजिए। अगर इसको आप पॉइंट में ना लिख करके फ्रैक्शन में चाहे 2 10 कर सकते हैं, 11 × 22 और 1 23। तो जैसा एग्जामिनर डिमांड करेगा अपने हिसाब से हम लोग को वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये लिख देते हैं कि एक कार्य को कितने दिन में करता है, 23/2 दिन में करता है। आगे एफिशिएंसी का खेला किया हुआ है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। सर बी किससे कुशल है, ए से, बेस किसको माना है, ए को, बेस किसको माना है, ए को, ठीक। इसीलिए ए क्या है आपका यहां पर 4 और बी में 1 अधिक, मतलब 4 में 1 अधिक है, 4 में 1 अधिक, तो बी का कितना होगा आपका 5। सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है और ये राउंड घूमता है, आप लोगों को पता होगा, बता चुके हैं कि 4 का 25% कितना 1, और बी बोल रहा है ए को कि 13 से 25% अधिक है और ए अगर 4 है तो 4 का 25% 1 है, तो 1 अधिक है, कितना हो गया 5। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, 50% कुशल है, अधिक नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, सी बी की तुलना में 50% कुशल है, ना अधिक का जिक्र किया है ना ही कम का जिक्र किया है, डायरेक्ट बोल दिया है 50% कुशल है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। सी किसकी तुलना में, बी की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है, बी से, मतलब बेस किसको माना है, बी को, और यहां बेस क्या है 2, मतलब बी का क्या रेशियो हो गया 2।
और आप लोगों को पता है कि ये राउंड घूमता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका, 1/2, मतलब 2 का 50% कितना, 1। मतलब सीधा बोला है कि C B का 50% है, अगर C आप अगर B आपका 2 है तो 2 का 50% 1 होता है, तो C कितना होगा, केवल 1। ना अधिक है ना जिक्र ना ज्यादा है, अधिक का जिक्र किया ही नहीं। अब आप अगला क्वेश्चन क्या होता है आपका कि ये निकल गया रेशियो। अब कहानी यह है कि यहां पर B कितना दिया हुआ है, 5, और यहां पर B कितना है आपका, 2। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा या फिर रेशियो में बताए हैं कान खींच के लंबा करना पड़ेगा, दोनों ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सीधा सेम कर दीजिए, इसको 10 बना दीजिए, 10 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, यहां पर 8 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, इसको 5 से कर देंगे, यहां 10 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का 10 आ गया, अब इसका कोई जरूरत नहीं है आप लोग, सेम करने के बाद इसका कोई जरूरत नहीं है। अब इसको लीजिए, चलिए ए का एफिशिएंसी 8 आ गया, बी का 10 आ गया, बी का 10 यहां भी सेम आ गया, सी का 5 आ गया। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, ए क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। पहले कार्य तो पता चले कि कार्य क्या है, सो कार्य निकालने का एक तरीका यहां एग्जामिनर पहले ही लिख चुका था कि ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, 11 1/2 दिन में करता है, मतलब 23/2 दिन में करता है। ए जो है सो पर डे कितना काम करता है, 8। आप लोगों को पता है कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। टोटल वर्क क्या होता है आपका, एफिशिएंसी इनटू डेज। एफिशिएंसी क्या है, ए पर डे 8 काम करता है, के दिन लेता है आपका, 23/2 दिन लेता है, इसीलिए बोले थे कि पॉइंट में नहीं रखने के लिए, ठीक है, इनटू करने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए, अब ए बी सी एक साथ मिलकर के दिन में करेंगे, ए करता है पर डे 8 काम, बी करता है पर डे 10 काम, सी करता है पर डे 5 काम, कुल मिलाकर के ये लोग करेगा पर डे 23 काम। अब ये है आपका टोटल काम क्या है आपका, 4 × 23। अब इस कार्य को कौन करेगा, एबीसी, एबीसी पर डे कितना काम करता है, 23 काम करता है, तो इस काम को करने में के दिन लगेगा, 23 कट जाएगा, के दिन लगेगा आपका 4 दिन लगेगा, के दिन लगेगा आपका 4 दिन लगेगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए बनाइए इसको। चलिए टाइम अप, आइए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक निश्चित कार्य के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात दिया हुआ है 3:7। मतलब क्या है कि ए पर डे 3 काम करता है और बी पर डे 7 काम करता है, ठीक, दोनों मिलकर के पर डे कितना काम करता है, दोनों मिलकर के पर डे 10 काम करता है, ठीक। लिखा हुआ एक साथ काम करने पर वे 10.5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं किया नहीं, ठीक, मतलब कि ये लोग पर डे 10 काम करता है, ये लोग पर डे 10 काम करता है, तो काम को के दिन में समाप्त कर सकता है, 21/2 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब 10 × 20 और 1 = 21, मतलब ये गया 5 बार में, 21 × 5 = 105, मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा, 105। फिर लिखा हुआ है वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब देखिए कहानी क्या है ना कि ये लोग काम को खत्म कर सकता है 10.5 दिन में,
दोनों मिल करके ये बात कर रहा है कि देखो भाई हम लोग दोनों साथ में काम करेंगे तो काम को 10.5 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक। लेकिन ये लोग काम क्या करते, क्या धोखा हो गया कि 8 दिन काम किया उसके बाद निकल दिया, रुक गया। इसका मतलब ये लोग अगर पर डे लोग 10 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 80 काम किया होगा। मतलब 105 में से 80 काम किया होगा तो कितना काम बच गया आपका, 25 काम बच गया। अब अगर 25 काम बच गया तो क्या लिखा हुआ है, शेष कार्य का 60%। शेष कार्य कितना बचा है आपका, 25, और 25 का 60% मतलब 60/100, ठीक। उसको ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, इसको कौन करेगा, ए। ए पर डे कितना काम करता है, 3। ए पर डे कितना काम करता है आपका, 3, ठीक। 25 से ये 100 गया, 4 बार में 4 3 12 12 5 60, तो के दिन लगाएगा आपका, 5 दिन लगाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 5। सर इसका कोई और मेथड एग्जाम में सॉल्व करने का एकदम है, ये समझ गए होंगे तो नेक्स्ट मेथड बताते हैं आप लोगों को, देखिएगा, ठीक है। हमको ये बताइए कि ये दोनों एक काम को के दिन में खत्म कर सकता है, 10.5 दिन में खत्म कर सकता है। अगर 10.5 दिन में खत्म कर सकता है लेकिन कितना दिन काम किया है, 8 दिन तक काम किया है। 10.5 दिन में खत्म कर सकता है, 8 दिन तक काम किया है, तो के दिन का काम बच गया है, 10.5 दिन का काम बच, सॉरी साढ़े मतलब ढाई बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं कि 2.5 बोल दीजिएगा, 2.5 बोलते हैं, ठीक है। मतलब 2.5 दिन का काम आपका बच गया है, समझे। बचपन का कहानी याद आ गया, बचपन में हमको एक दिन कोई मैडम ही थी मेरी, है ना, हमको घड़ी देख करके बोली थी कितना बज रहा है, तो हम बोल दिए 2.5, मारी थी एक झाप, समझे। 2.5 कैसे, 2.5 बोलते हैं उसको। हमको ये बताइए कि ये 12:30 को 12:30 बोलते हैं तो 1:30 को 1.5 काहे बोलते हैं, 2.5 को क्या 2.5 नहीं बोल सकते हैं, समझाना चाहिए ना, 2.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डब्बा का 2.5 लेके चलिएगा। तो ये लोग का 2.5 दिन का काम बच गया, मतलब ये लोग पर डे अगर 10 काम करता है तो 2.5 दिन का काम बच गया है, मतलब 2.5 दिन का काम बच गया है। यही क्या है इसका, बचा हुआ काम। 2.5 को 10 से करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, यहाँ 10 आएगा, 10 में 10 गया, कितना वर्क बचा हुआ है, 25 वर्क बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक अगर 25 वर्क बचा हुआ है तो बोला गया है 60%, सेम कहानी आ गया। अब इसका कितना परसेंट, 60% मतलब 60/100, कौन कर रहा है, ए कर रहा है। सब सॉल्व करेंगे इसको, आंसर क्या आएगा आपका, 5। सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा आपका, 5। आप लोगों को पता चल गया यहाँ तक, एकदम अच्छा से हम समझा दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए, ट्राई कीजिए इसको। टाइम अप, आइए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है, ठीक। मतलब बोला गया है ए जो है सो किसकी तुलना में, बी और सी की तुलना में 7/9 काम कर सकता है, मतलब 7/9 काम कर सकता है। लिखने का तरीका यही होता है, सीख लीजिए। ए बी और मेन लिखने का तरीका क्या होता है बताएं, देखिएगा, ए बी और सी की तुलना में, ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम करता है, मतलब ए अगर पर डे 7 काम करता है तो बी और सी पर डे 9 काम करता है, ये होता है तरीका, ठीक। ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर किससे
सी से, ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करते हैं, मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5। सी से बेस किसको माना गया है, सी को, तो सी का कितना आएगा 5, जिसमें से 2 अधिक, तो ये कितना आएगा आपका 7। अब यहां पर कहानी सेम है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 16 है, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 12 है। 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है 48, तो जहां पर 16 है उसको 48 बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे आपका 3 से करेंगे, और जहां पर 12 है उसको 48 बनाने के लिए 4 से इंटू करेंगे। उसके बाद इसका कोई जरूरत नहीं रहेगा, इसको हम लोग हटा सकते हैं। यहां कितना हो जाएगा आपका 7 3 21 और 9 3 27, 7 4 28 और ये 4 5 20। अब इसके बाद हम लोग को इसका भी जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं ठीक, और इसको जा करके यहां रख सकते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सो देखिए यहां पर आ जाएगा ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 21, बी का कितना, सी का कितना आ गया 20, और अगर सी का एफिशिएंसी 20 है तो बी का कितना होगा 7 ठीक। बोला गया है यदि वे तीनों 28 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, वे तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं 21 और 27 48, 20 और 28 48, एक दिन में 48 काम करते हैं तो काम को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं, टोटल वर्क कितना हो गया आपका 48 × 28। तो बी को समान कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेगा, बी पर डे कितना काम करता है 7 काम करता है, डिवाइडेड बाय 7 कितना बार में गया, 4 बार में, 8 × 32, लास्ट में कितना होगा 2, ये रहा आंसर। एकदम समझ में आ गया होगा सभी को अच्छा से, कोई भी तकलीफ हुआ है तो हमको मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिए, तबीयत खराब में भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये 72 कहाँ गया, 72 जो मिसप्रिंट नहीं हो गया था, 69 दो बार आ गया था, उसमें से एक क्वेश्चन 72 नंबर का था, गलती से उसमें नंबरिंग में गलती हो गया था ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये रहा आपके सामने टाइमर, और इसको बनाइए अच्छा से, ट्राई कीजिए बनाने का, 40 सेकेंड का हम समय दिए, बनाइए इसको। वेरी गुड, चलिए सभी को गुड इवनिंग बच्चा। चलिए टाइम अप, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला गया है देखिए, बोला गया है तीन टाइपिस्ट पी क्यू आर एक साथ काम करते हुए 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं, मतलब तीन को प्राणी है, कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है। ये लोग बोलता है कि हम 4 घंटा में 216 पेज टाइप कर सकते हैं, तो हमको ये बताइए कि ये लोग 1 घंटा में कितना पेज टाइप कर सकता होगा, डिवाइडेड बाय 4 कितना कर सकता होगा 54। 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा 54 ठीक है यहां तक। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया है देखिए, 1 घंटे में आर Q से उतना ही अधिक पेज टाइप कर सकता है, मतलब 1 घंटा में R Q से उतना ही अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना Q P से अधिक पेज टाइप कर सकता है, Q P से अधिक पेज टाइप कर सकता है, तो ये क्या होगा आपका, ये सेम होगा, ये सेम होगा इसका और इसका, ये क्या होगा आपका सेम, मतलब कि डिफरेंस क्या होगा आपका सेम होगा ठीक है यहां तक। अब आगे का लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा होगा, आर 5 घंटे में उतने ही पेज टाइप कर सकता है, आर क्या बोलता है
आर बोल रहा है देखो मेरा एफिशिएंसी आर है और हम 5 घंटा में कुछ पेज टाइप करते हैं, ठीक। आर 5 घंटा में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना 7 घंटा में पी टाइप कर सकता है। मतलब ये बोला गया है कि आर 5 घंटा में इतना पेज टाइप करता है जितना पी 7 घंटा में टाइप करता है, इसीलिए इसको क्या कर दिए हैं, ये बराबर कर दिए हैं, ठीक है। ये जरूरी समझ में आ गया। आप लोगों को पता है कि यहां पर अल्फाबेट के सामने क्या है 7 और यहां पर इसके सामने क्या है 5, मतलब आर पर डे 7 काम करता है तो पी पर डे कितना काम करता है, डे नहीं घंटा कितना काम करता है, आर पर घंटा 7 काम करता है तो पी पर घंटा 5 काम करता है। ये लिख दिया है कि आर पर घंटा 7 काम करता है तो पी पर घंटा कितना काम करता है, 5 काम करता है। और आपको पता है कि ये डिफरेंस सेम है, तो ये डिफरेंस सेम है तो ये 7 है ये 5 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 6 रहा होगा, तभी तो 6 और 5 का डिफरेंस सेम 1 और 7 और 6 का डिफरेंस 1। ये समझ में आ गया होगा, मतलब R पर घंटा 7 पेज टाइप करता है, Q पर घंटा 6 पेज टाइप करता है, P पर घंटा 5 पेज टाइप करता है, और तीनों मिल करके पर घंटा कितना पेज टाइप करता है आपका 54। ये रेशियो में है, सारा रेशियो में दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं। ये मेरा रेशियो का मैराथन में हम बता चुके हैं और रेशियो का बेसिक में ही बता चुके हैं। यहां पर क्या है आपका आर और ये क्या है आपका क्यू और ये क्या है आपका पी। ये लोग बोल रहा है कि हम लोग का अनुपात क्या है 7x, 6x और 5x, तीनों मिला करके कितना है आपका 18x, ये बराबर है किसके आपके 54 के। ये 18 से कितना बार में गया, 3 बार में, x कितना हो गया आपका 3, x कितना आ गया आपका 3, x अगर 3 आ गया तो 7x कितना हो जाएगा 21, ठीक है, 6x कितना हो जाएगा 18, 5x कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। यहां पर मतलब P पर घंटा 15 पेज टाइप करता है, Q पर घंटा 18 पेज टाइप करता है, R पर घंटा 21 पेज टाइप करता है, तभी तो मिला करके 54 पेज टाइप करता है एक घंटा में, सेम आया, और 4 घंटा में 216 पेज टाइप करता है। तो 21, 18 और ये 15, मतलब 15, 18, 21, पहले P का पूछा था, फिर Q का, फिर R का, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एकदम समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा इसको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब यहां हटाइए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है, सिंपल ये बोला गया है, इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, ये प्रैक्टिस बैच है, इसे थोड़ा स्पीड बताते हैं, मतलब बेसिक में आप मेरा मैराथन देख सकते हैं, हम बेसिक में करा चुके हैं। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क मतलब क्या है कि ए और बी एक काम को के दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, मतलब ए और बी क्या है यहां पर, क्षमता है, क्या है क्षमता है, मतलब एफिशिएंसी क्या है आपका, एफिशिएंसी, ठीक है यहां तक। और बोला गया है यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी, ए का क्षमता ए माने थे, अगर बोला गया है कि ए बाय टू करे, मतलब अपनी क्षमता से आधा से, और बी अपनी सामान्य क्षमता से 3 गुना से, मतलब ये जो कितना से करे 3 गुना से, तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है, कार्य के दिन में समाप्त हो जाता है, 9 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब बोला गया है ये टोटल वर्क ये भी है, तो वही जो कार्य के बारे में यहां बात कर रहा है, सेम वही कार्य के बारे में यहां भी बात कर रहा है आपका। ए और बी बोलता है कि अगर हम लोग दोनों नॉर्मल तरीका से काम करें तो इस कार्य को के दिन में समाप्त कर देंगे, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ए बोलता है जितना हम पहले काम कर रहे थे अगर आधा के हिसाब से हम काम करें
बी बोल रहा है कि जितना हम पहले काम करते थे उससे तीन गुना काम करते थे, यही काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे हम? 9 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक, तो सर नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि काम को ये लोग 12 दिन में समाप्त कर सकते, सब कुछ दिया गया, सब कुछ समझ में आ गया। बोला गया है यदि ए अकेले कार्य करे तो उस काम को के दिन में समाप्त करेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए टोटल वर्क चाहिए, ठीक है, और चाहिए एक एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक एफिशिएंसी निकल जाएगा। 3 से गया ये 4 बार में, 3 से गया ये 3 बार में, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा कितना, 4a + 4b। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, 3a + 2। फिर इसको इससे कीजिएगा क्या होगा आपका, 9b। क्या होगा, 9b, ठीक। यहाँ पर आएगा 2 LCM आएगा, लिख देते हैं संभल के, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 4a + 4b, और यहाँ LCM कितना आएगा, 2, और ये हो जाएगा आपका 3a + 18b। ये 2 जाएगा इधर तो ये 4 का 8 हो जाएगा, और ये भी 4 का 8 हो जाएगा, ये 2 जाएगा इधर, ठीक। 3a इधर गया तो माइनस में हो जाएगा 5a, 8b उधर गया तो कितना हो जाएगा, 10b। क्या हो जाएगा आपका, 10b। 5 से ये गया कितना बार में, 2 बार में, मतलब a के सामने क्या है, 2, मतलब a का एफिशिएंसी 2। b के सामने क्या है, 1, मतलब b का एफिशिएंसी क्या होगा, 1। जो सामने होता है वो सही होता है, आप लोग बता चुके हैं यहाँ पर भी, और रेशियो में ही बता चुके हैं। जो रेशियो का प्रैक्टिस नहीं देखे हैं जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए मेरा, सब मिल जाएगा वहाँ। ए पर डे 2 काम करता है, बी पर डे 1 काम करता है, मतलब तीनों दोनों मिल करके पर डे 3 काम करता होगा। और ये लोग बोल के आ रहा था कि हम लोग पर डे 3 काम करते हैं, काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, हम लोग 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब अगर ये लोग पर डे 3 काम कर सकता है तो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 36, ठीक है। बोला है यदि ए अकेला इस कार्य को करे तो के दिन में करेगा। ए पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 36 काम को करने में के दिन लगेगा आपका, 12 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन भी आप लोग अच्छा बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बनाइए, ट्राई कीजिए, ना तो हम तो है ही यहां पर, हम बताएंगे ना। चलिए समझाते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक। क्या बोला गया, देखिए 2 कामगार ए और बी एक साथ कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 कारगर है, कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। एक काम को के दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। यदि ए ने वास्तव में सुनिए, यदि ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उससे दोगुनी कार्य क्षमता से कार्य किया होता और बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उसकी एक तिहाई कार्य क्षमता से कार्य किया होता, ठीक है। एक सेकेंड, मतलब ए के बारे में बोल रहा है, ए के बारे में बोल रहा है कि अगर इसी कार्य को
ए अपना दोगुना क्षमता से कार्य किया होता, ए अपना दोगुना क्षमता से कार्य किया होता और बी अपना एक तिहाई क्षमता से कार्य किया होता, ठीक है, तो कार्य को के दिन में समाप्त करता ये लोग, तीन दिन में पूरा कर लेता, के दिन में पूरा कर लेता, तीन दिन में पूरा कर लेता लिखा हुआ है। वह क्षमता से कार्य किया होता तो तीन दिन में कार्य पूरा हो जाता, ठीक। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इस तरह से ए और बी निकाल लेंगे, मतलब ए और बी का क्षमता निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 5a प्लस 5b हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा b, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4b, 5a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1a। मतलब क्या है कि a के सामने क्या है आपका, a के सामने 4 है, b के सामने 1 है, मतलब a के सामने क्या है आपका 4 और b के सामने क्या है आपका 1, तो ये आ गया इसका एफिशिएंसी, ठीक। बोला गया है कि अकेला a उस कार्य को के दिन में समाप्त करेगा, पहले टोटल वर्क तो निकाल लें, जैसे यहाँ निकाले थे यहाँ पुट करके, अगर a पर डे 5 काम करता है, सॉरी a पर डे 4 काम करता है, b पर डे 5 काम करता है, तो दोनों मिल करके पर डे 5 काम करेगा, दोनों मिल करके अगर पर डे 5 काम करेगा तो, और एक पर डे कितना काम करता है, ए पर डे कितना काम करता है, ए पर डे 4 काम करता है, ठीक है, तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, सही तो है, तो कार्य तीन दिन में पूरा हो जाता है, कार्य तीन दिन में पूरा हो जाता है, अकेला अकेला ए उस कार्य को के दिन में पूरा करेगा, अकेला ए के दिन में करेगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/4 days, 1/4 days, ठीक। ऑप्शन को एक काट लीजिए, कहीं मिस्टेक होगा, ठीक, यहां पे कर लीजिए आप लोग 1/4 days, ये वाला होगा आप लोगों का सॉल्यूशन, ठीक। ए और बी साथ मिलकर 5 दिन, 2a प्लस 2a, दोगुना कार्य क्षमता से a, और 1/3 सही है, 6b सही है, 5a 5b, डिफरेंस कितना 4b, 1a, b के सामने 1, a के सामने 4, सारा है 5 5 5 25। अरे यार देखिए यहाँ मिस्टेक है, देखें ए और बी पर डे अगर 5 काम करता है, ठीक है, ए और बी अगर पर डे 5 काम करता है, ठीक, तो 5 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 25, और इस कार्य को अगर ए पर डे 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो के दिन में करेगा ये जाएगा कितना बार में, 6 1/4 days। देखिए बाय लक ये क्या हो गया आपका, ये यही आंसर हो गया, समझे। चलिए होता है मिस्टेक थोड़ा सा, कभी कभी सबसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड सभी लोग, ये हो गया, नहीं सॉरी 68 हो गया ना, 66, 75 हो गया, 76 करते हैं, ठीक है, आइए। क्या लिखा हुआ है देख, 2 पुरुष 7 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक, 28 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
ये रहा आप लोगों के सामने टाइमर, बनाइए इसको। चलिए आइए देखें, यहां पर लिखा हुआ है दो पुरुष। क्या लिखा हुआ है? दो पुरुष मतलब दो मैन, और कौन है? सात वेमेन। एक काम को के दिन में पूरा कर सकते हैं? 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिन में, उसी कार्य को कौन कर रहा है? 6 मैन और 16 वेमेन, 6 मैन और 16 वेमेन उसी कार्य को के दिन में पूरा कर रहे हैं? 11 दिन में पूरा कर रहे हैं। के दिन में पूरा कर रहे हैं? 11 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक, यहां से मैन और वेमेन का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 28 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 56, 56 मैन, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 140, 140 और 56 मतलब 196 वेमेन। 11 को 6 से करेंगे 66 आ जाएगा, और इसको 11 से करेंगे तो 176 वेमेन आ जाएगा। ठीक, 66 को उधर लेकर के जाइए, 176 को इधर लेकर के जाइए, तो कितना हो जाएगा? 20 वेमेन, और ये हो जाएगा 10 मैन। 20 वेमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? 10 मैन। 0 से 0 गया, मैन के सामने क्या है आपका? 2 है, और वेमेन के सामने क्या है आपका? 1 है। मतलब मैन का एफिशिएंसी 2 है और वेमेन का एफिशिएंसी क्या है आपका? 1 है। ठीक, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, यहाँ मैन के सामने अगर 2 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, और वेमेन के सामने ये है 1, वो तो 7 × 1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ तक तो ये कितना हो जाएगा? 11, और 11 × 28 क्या हो जाएगा आपका? टोटल वर्क। 11 × 28 क्या हो जाएगा आपका? टोटल वर्क। ठीक, बोला गया है 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 पुरुष का मतलब 5 मैन, 5 × 2 प्लस 4 महिलाएं मतलब 4 × 1, एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 और 4 कितना? 14। एक दिन में अगर 14 काम करेगा तो 11 × 28 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 11 × 2 = 22, आंसर क्या हो जाएगा? 22। 11 × 2 = 22, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22। चलिए, समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, देखिए। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन मिस्टेक था, इसीलिए उसको हटा दिया गया है। ठीक, आइए ये वाला सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के, 3 मैन 4 वेमेन 6 बॉय, एक काम को के दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। ठीक, अब सर ये तो बोल दिया, आगे क्या बोला गया है? सो देखिए, एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। वाह, महिला का एफिशिएंसी ज्यादा है, महिला मतलब वेमेन, वेमेन मैन की तुलना में, एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। मतलब मैन अगर पर डे एक काम करता है तो वेमेन पर डे 3 काम करती है, अर्थात एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। लड़का एक पुरुष की तुलना में कितना काम करता है? मतलब बॉय कितना काम करता है? आधा काम करता है। अगर मैन पर डे एक काम करता है तो बॉय पर डे आधा काम करता है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, तीनों में 2-2 इंटू कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हो गया। ये 3 गुना कार्य कर रही है, ये 2 × 3 = 6, और ये आधा काम कर रहा है, कर सकते हैं। तीनों को किससे इंटू कर दिए? 2 से इंटू कर दिए, ये भी हो सकता है ना। चलिए,
बोला क्या गया है? अब यहां पे एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल लीजिए, मैन का कितना है 2, वेमन का कितना है 6, बॉय का कितना है 1, ठीक। तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 6 × 1 कितना 6, एक कार्य को के दिन में 6 दिन, तो ये कितना हो गया 30, 30 × 6 कितना हो गया 36, 30 × 6 कितना हो गया आपका 36, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 36 × 6। अब इस कार्य को बोला गया है, सुनिएगा ध्यान से, इस कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। अच्छा, इसको के दिन में करना है, 4 दिन में करना है, तो डिवाइडेड बाय 4 क्यों करेंगे कि 4 दिन में करना है, इसका मतलब पर डे कितना करना है वो निकालना होगा, तो डिवाइड 4 करेंगे तो पर डे कितना काम करना होगा, 9 × 6 = 54 काम करना होगा, पर डे कितना काम करना होगा, 54 काम करना होगा, तब जा करके 4 दिन में इतना काम होगा। अगर पर डे 54 काम करना होगा, एक महिलाएं कितना करती है एक दिन में 6 काम करती है, सॉरी हाँ एक महिला एक दिन में 6 काम करती है, तो कितनी महिला को लाया जाए कि 54 काम हो, क्यों ना 9 महिलाओं को लाया जाए तो कितना काम होगा एक दिन में, 54 काम हो जाएगा, तो कितनी महिला लाना होगा, 9 महिला को लाना होगा, तब जाकर के एक दिन में 54 काम होगा और 4 दिन में इतना काम हो जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में? नहीं हुआ होगा, एकदम अच्छा से हम समझाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, आप लोग को होमवर्क देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ट्राई कीजिएगा, ये बोला प्रॉब्लम होगा आप लोगों को बनाने में, ठीक है, प्रॉब्लम होगा आप लोगों को बनाने में, मानते हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, हम बता देंगे आप लोगों को। चलिए सभी को गुड नाइट, ख्याल रखिएगा अपना, कल फिर मिलते हैं 9 बजे, सभी को ऑल द बेस्ट, आप लोग सेशन देखते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हम बहुत कुछ आप लोग के लिए रखे हुए हैं, शेड्यूल में जाइए, टाइमिंग बता देंगे क्या क्या टाइमिंग कब कब है, और अच्छा से इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए सभी को गुड नाइट, जय श्री राम।